इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन की बात करूं तो वी आर नाउंग टू काइंड एक तो ट्रिगोनमेट्रिक फन है छाइन और उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग छह हमारे पास में इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैनवर्स कॉट इनवर्सेंड एंड कॉसिक और अगर इन फंक्शन को कंपोज किया जाए तो कंपोजिशन फंक्शन जो बनेगा वो किस तरह से बिहेव करेगा हम उसकी बात करने जा रहे हैं तो एक टाइप का कंपोजिशन क्या होगा कि के क्या होगा और दूसरा कि अगर मैं बोलूं साइन एक्स फंक्शन पे साइन इनवर्स कंपोज करो गेटिंग माई पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं मैं दो तरह के कंपोजिशन की बात कर रहा हूं जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स या को ऑफ को अभी लिखना कुछ नहीं है जस्ट थोड़ी बात करेंगे हम लोग है ना या टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स तो क्या होगा आपका क्या ओपिनियन है यह आउटपुट क्या आना चाहिए एक्स एक्स आना चाहिए क्यों x आना चाहिए अगर x प्रिंसिपल डोमेन में है तो तो x ही आएगा अदरवाइज कुछ शिफ्ट वगैरह मतलब कुछ कांस्टेंट आगे पीछे आ रही नहीं मुझे तो लगता है कि x से ही आना चाहिए अगर मगर की कोई बात तो खास है नहीं यहाँ पर देखो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग ऑफ साइन इनवर्स ज मीन दैट मीनस दैट फंक्शन साइन को हम इनवर्टिबल एज्यूम कर रहे हैं और उसके डोमेन ऑफ इन्वर्टिबिलिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइन इनवर्स की बात करें मतलब साइन इनवर्स का जो डोमेन पहले तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा तो आप बोलोगे डोमेन होगा माइनस वन टू वन एग्रीड ए नॉट दोनों फंक्शन का डोमेन होगा माइनस वन टू वन इसी तरह से ये दोनों फंक्शन का डोमेन होगा ऑल रियल हेलो

इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन हमारा फंक्शन साइन इनवर्स इनवर्स टैन इनवर्स इनवर्स ये सब फंक्शन है ये, ये सब. तो इनके जब फंक्शन इन्वर्स के ऊपर में फंक्शन ऑपरेट करोगे तो क्या होगा इनवर्स के ऊपर फंक्शन ऑपरेट करोगे तो वापस वो मैप कर देगा आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा तो ये तो एक्स ही होना चाहिए ये भी एक्स होना चाहिए ये भी एक्स होना चाहिए ये भी एक्स होना चाहिए सिर्फ डोमेन रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए क्या डोमेन रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि भाई ये साँग उफ, साँग इन्वर्स एक्स, एक्स है। ये ये ऑफ इनवर्स है 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 भी भी एक है, है और ये भी एक फंक्शन 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 आइडेंटिटी और लेकिन दोनों का डोमेन अलग है नॉर्मली एक्स फंक्शन का डोमेन क्या है ऑल रियल है तो आपको बोलना पड़ेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और एक्स दोनों सेम फंक्शन है लेकिन कौन से डोमेन में माइनस वन टू वन डोमेन में इसी तरह से टेन ऑफ टेन यूनिवर्स ऑफ इनवर्स एक्स भी एक्स के आइडेंटिकल फंक्शन है लेकिन ये डोमेन क्या है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल ये पूरी रियल नंबर लाइन पर और ये दोनों फंक्शन भी आइडेंटिकल है लेकिन कब वेन एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट नेगेटिव एक्सेप्टिव टू वन तो जब जनरल बात याद करो जब आप एफ इनवर्स ऑपरेट कर रहे हो तो एफ इनवर्स के डोमेन में एफ जो फंक्शन है उसका इनवर्स फंक्शन है और एफ और एफ इनवर्स को जब कंपोज करोगे तो हमेशा एक्स आएगा ध्यान रखो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ वॉट डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स ये चीज हमेशा ट्रू होगी इसको नोट करके लिख लो कहीं पर इट इज ऑलवेज ट्रू बट अगर आप एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स की बात कर रहे हो अब आपको पता है कि ऑल द फंक्शन जब आप इनवर्स की बात करें इनवर्स फंक्शन तो हमेशा बाइजेक्टिव होगा क्योंकि इनवर्स डिफाइंड ही तब हुआ जब एफ बाइजेक्टिव हुआ तो एफ को बाइजेक्टिव बना करके इनवर्स डिफाइन किया आपने और आपने पढ़ा था ना इनवर्स ऑफ अ अक्टिव फंक्शन इज अ अक्टिव फंक्शन तो एफ इनवर्स हमेशा बाइजेक्टिव होगा बट पहले अगर फंक्शन ऑपरेट करके फिर इनवर्स ऑपरेट करो आप देखो अब तुम्हारा फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं हमें क्या पता तो बिकॉज एफेक्स नॉन बाइजेक्टिव भी हो सकता है अगर एफेक्स बाइजेक्टिव होगा तो एफिनवर्स एफेक्ट्स भी एक्स आएगा बट अगर एफेक्स बाइजेक्टिव नहीं है तो एफिनवर्स एफेक्ट जो है वो एक्स आएगा कब वेन एक्स बिलोंग्स टू प्रिंसिपल डोमेन ऑफ एफेक्ट्स अदरवाइज वो एक्स के बजाय कुछ और आएगा उसका डोमेन को शिफ्ट करना पड़ेगा यही बात प्रथम बोल रहा था है ना प्रथम यस yes, सर ये दूसरे वाले स्टेप की बात कर रहे थे आप फर्स्ट वाले स्टेप में बेटा ऐसा कुछ बोलने के होते हैं ऑफ एफ एफ इनवर्स हमेशा क्या होगा हमेशा एक्स होगा ये चीज याद रखना आप सभी तो अब इसी कॉन्टेक्स्ट में यही सब डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में आप सबसे पहले क्या एक टेबुलर फॉर्म में कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे क्या मैं इसको हटा दूं ये दो लाइन जरूर नोट कर लेना ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली बात Yes, sir. So, हम लोग पहले इनवर्स के ऊपर फंक्शन को कंपोज करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे ग्राफ के साथ तो आ जाइए पहला फर्स्ट कॉलम में फंक्शन सेकंड कॉलम में उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे थर्ड कॉलम में उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाएंगे पहला है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आपको पता है कि पहले इनवर्स और फिर फंक्शन कंपोज कर रहे हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन ही आएगा इट इज ऑलवेज एक्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स भी हमेशा एक्स आएगा

रेंज माइनस वन टू वन है क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन और रेंज तो सेम ही होती है क्योंकि जो इनपुट है वही आउटपुट आउटपुट इज एज इनपुट रिटर्नपुट एंड ऑर्ड फंक्शन है मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ग्राफ वाई जीकोडो एक्स का ग्राफ बना दो लेकिन पूरा नहीं वाई रियल पे डिफाइंड होगा जबकि ये सिर्फ माइनस वन टू वन तो लाइन सेगमेंट वाई जीकोडो एक्स ज्वाइनिंग माइनस वन कॉम माइनस वन एंड वन कॉम होगा ये माइनस वन होगा ये साइन ऑफ साइन इनवर्स का ग्राफ बोलो या कॉस ऑफ कॉस इनवर्स का ग्राफ बोलो जब आप इनवर्स साइन पर साइन कंपोज किया नाउ यू कंपोज कॉस ओवर इनवर्स ऑफ कॉस या टैन इनवर्स पर टैन कंपोज करो फिर कॉस तो हो ही गया ना तो टैन इनवर्स पर टैन कंपोज करो बोलो क्या होगा

फंक्शन है स्ट्रिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है ये बात बिल्कुल क्लियरली दिख रही है ग्राफिकली अगर प्रेजेंट करते हैं हाउ डज द ग्राफ लुक्स लाइक द ग्राफ विल बी द कंप्लीट लाइन वाईक्वल टू एक्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी कॉमन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कॉमन इन्फिनिटी ये फंक्शन को टैन ऑफ टेन इनवर्स भी बोल सकते हैं कॉट ऑफ कॉट इनवर्स भी बोल सकते हैं अब रह गया कैन यू टेल मी कि सीकेंट ऑफ सीकेंड इनवर्स एक्स एज वेल एज कॉसिकेंट ऑफ कॉसिक इनवर्स एक्स हाउ डज फंक्शन विल लाइक से इस लाइन से हटा दो तो जो बचेगा वो आ जाएगा इंक्लूडिंग वन कॉमो वन एंड माइनस वन कॉमो माइनस वन तो ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है डोमेन आपका आ गया ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस वन टू वन और रेंज भी सेम आएगी क्योंकि आइडेंटिटी है तो डोमेन रेंज सेम आएगी और ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑर्ड फंक्शन है और इसका ग्राफ हमारा ऐसा होगा ठीक है जी अब ये इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि अगर कहीं पर ऐसा आ गया कि साइन ऑफ साइन इनवर्स पाई क्या होगा तो आंसर क्या आएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट थ्री बाई फोर ऐसा है तो क्या आंसर होगा जल्दी बोलो सीकेंट ऑफ सीकेंड इनवर्स ऑफ हाफ क्या होगा तो आपको ब्लाइंड फोर्थ ये नहीं बोलना साइन ऑफ साइन इनवर्स पाई क्या होगा बोलो

तो डोमेन देखना है अदरवाइज होगा जो इनपुट है वही आउटपुट है ठीक है बिकॉज इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन इतनी बात समझ में आ गई सर yes, yes, हाँ आप पहले जिनका छूटा हुआ था ये इस पेज से पूरा कंप्लीट कर लो फिर आके इसका दूसरे वाले कंपोजिशन पे चलते हैं हो गया यस yes, ये sir. आगे बढ़ा जाए चलें जी सर यस सर ओके ग्रेट तो ये कि ये याद रखना ये ये दो बातें याद रखनी है आपको वाइल वर्किंग आउट दो प्रॉब्लम्स तो अब बढ़ते हैं जी जैसे कुछ है आप फटाफट वर्बली आंसर करना पेन नहीं चलाना फर्स्ट का आंसर नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड सेकंड सेकंड का आंसर थर्ड का आंसर लास्ट वाले का करेक्ट अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर पेयर ऑफ आइडेंटिकल फंक्शंस ठीक है ये बताना है क्विकली सोचो जल्दी से Only, only oh, सिर्फ पहले वाला होगा उसके बाद वाले वाली होंगे? कमाई कौन है क्या हाँ बच्ची बोलो बताओ जनता मैंने पूछा किन में सिर्फ फर्स्ट ओनली सिर्फ पहला वाला फर्स्ट ओनली सिर्फ ओनली फर्स्ट वन ग्रेट पहला वाला आइडेंटिकल है दोनों क्योंकि दोनों ही y x है दूसरे में secant of secant inverse cos ऑफ cos inverse दोनों आइडेंटिटी फंक्शन जैसे हैं बट डोमेन डिफरेंट है है ना ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है इन दोनों में इन दोनों फंक्शन में कुछ कॉमन है अगर कोई ऐसा बोले कि secant of secant inverse x Intersection cos of cos inverse x, assuming both the functions are set of ordered pairs. What will be the answer? One one and minus one comma minus one. Yes. Two points uh -huh. one one and minus one comma minus one. These are the two points which are common to them. Great. Or here also the same situation, right? C part Yes, sir. Great. Agla, identify whether the functions given below are odd. और इवन और नीदर आपने बताना कि ये फंक्शंस इवन है या ऑड है या नीदर इवन और ऑड है फर्स्ट वन ऑड बिकॉज एक्स वन ओवर एक्स ये सब ऑड फंक्शन है टेन ऐसे मतलब इमोशन में आंसर नहीं करना थोड़ा सा थॉटफुली आंसर करना वाइजली आंसर करना अन ऑड को ऑड से कंपोज करते हैं तो ऑड आता है ऑड एंड इवन का कंपोजिशन हमेशा इवन होगा दैट यू नो वेल सो ये पहला वाला फंक्शन ऑड है क्लियर है यस yes. दू दूसरा वाला Neither, even, not, Neither, even, not, नीदर इवन नॉर निदर इवन नॉर ऑड निदर है ठीक है थीके. ये ऑड 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 है लास्ट ऑर् बिकॉज दिस वन इज इवन एंड इवन इन राइट जी आगे हैं। अभी क्या करते हैं कि पहले ट्रिगोर्मेट्री फंक्शन को compose करते हैं और फिर उसका इनवर्स को कंपोज करते हैं फंक्शन बिहेव साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एज ए कंपोजिशन में बात करनी है तो क्या होगा आपका ओपिनियन में कोई भी फंक्शन इफ यू गेट अ फंक्शन फर्स्ट यू लुक एट इट्स डोमेन क्या होगा फिर वो सोचो उसका रेंज क्या होगा अगर पॉसिबल है फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज फिगर आउट करो ऑड है इवन है पीरियोडिसिटी है सिमेट्री है और फिर उसको आप डिफाइन करो प्रॉपर्ली माय पॉइंट इज साइन इन वाइन एक्स क्या क्या बातें आप इसके बारे में बता सकते हैं डोमेन ऑल रियल ऑल रियल बिकॉज साइन एक्स इज डिफाइंड फॉर and the values of sine x well lie with, within the domain of sine inverse and therefore for every x it is defined so domain is all real number right great right. now uh, what about the range sine inverse of sine x ki range kya minus y by two to power ऑब्वियसली बिकॉज साइन एक्स की वैल्यू एक्स कोई भी रियल वैल्यू हो साइन एक्स माइनस वन टू वन है और इनवर्स फंक्शन को माइनस वन टू वन उसका पूरा इनपुट देंगे तो उसका कंप्लीट रेंज ऑफ आउटपुट आएगा तो माइनस फाइव बाई टू टू फाइव वेरी ट्रू ग्रेट और क्या क्या बता सकते हैं इस फंक्शन के बारे में ऑड है कि इवन है ऑड ऑड है ऑड को ऑड पे कंपोज करो बच्चे तो ऑड ही होगा ऑब्वियसली और क्या बता सकते पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है पीरियोडिक पीरियॉडिक है क्योंकि एक पीरियोडिक पर कोई भी फंक्शन कंपोज करो तो पीरियोडिक होगा पीरियोडिक है तो इसका पीरियड जरा बोल जाओ इसका पीरियड क्या होगा बाकी फटाफट जल्दी से व्हाट इज पीरियड तो जब आप एक पीरियोडिक फंक्शन पर जब आप एक मोनाटनिक फंक्शन कंपोज करते हो तो मैंने बताया था कि उसका पीरियड भी नहीं चेंज होता पीरियॉडिक मोनाटनिक फंक्शन कंपोज करने पर मोनाटिक फंक्शन उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं करता है तो उसका पीरियड भी सेम रहेगा साइन इनवर्स मोनाटनिक फंक्शन है साइन एक्स पीरियडिक है है तो तो पीरियड पीरियड क्या होगा जो जो okay. का पाई okay. अब ये इंफॉर्मेशन आपको आपको मिली आपको पता थी मैंने तो कुछ नहीं मैंने तो पूछता गया बताते गए राइट right? अब बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन कैन यू डिफाइन दिस फंक्शन एंड आइडेंटिफाई इट्स ग्राफ कैसा होगा सोचो साइन इनवर्स साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा ये दोनों फंक्शन इन्वर्स ऑफ साइन एंड साइन ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं कब किस इंटरवल में ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के जानी दुश्मन होंगे एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन जैसा बिहेव करेंगे किस इंटरवल माइनस प्रिंसिपल डोमेन में माइनस में वेरी करेक्ट चलो माइनस फाइव बाई टू टू हाँ बोलो कुछ टाइप का ग्राफ होगा शायद हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जी टाइप का होगा बट वो क्या होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना माइनस पाई बाई टू पाई में ये तो एक्स रहेगा क्योंकि प्रिंसिपल डोमेन में दोनों इनवर्स हैं और इनवर्स फंक्शन को फंक्शन पे जब आप कंपोज करते हो तो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है तो इट्स वेल सिंपल कोई बड़ी बात नहीं यहां तक बात समझ में आ रही बट द पॉइंट इज इफ यू गो बियॉन्ड इफ यू गो बियॉन्ड दैट पॉइंट अभी एक पीरियड देखो एक पीरियड अगर किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का वन पीरियडिक इंटरवल का ग्राफ मिल गया अगर तो आप पूरा फंक्शन ड्रॉ कर सकते हो बट अभी हमारे को हाफ पीरियड हाफ ऑफ द पीरियड वी हैव बी लुकिंग फॉर पाई बाई टू 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 थ्री पाई बाई टू इस इंटरवल में क्या होगा बेटा इस इंटरवल में क्या होगा ये जानना चाह रहा हूं मैं क्योंकि अगर मेरे को ये दोनों इंटरवल में अगर ये डेफिनेशन मिल गई ये तो पहले मिल गई अगर इस इंटरवल में इस फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा अगर ये फाइंड कर लिया तो एक पीरियड आ गया फिर वही वही इंटरवल को मैं रिपीट करके मैं पूरा ग्राफ बना सकता हूँ पाई माइनस एक्स क्यू मान लेते हैं आपकी बात सही है पाई माइनस एक्स आपने बोला बट माई क्वेश्चन इज वाई पाई माइनस एक्स रीजन

ट्रिगोनमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ा है ना इलेवंथ में y, इसका y इसका, equal to इसका n मतलब पावर एन इन टू एक्स बोलो ना यस सर ये इसका जनरल सोल्यूशन अब इसमें आप एन की सुटेबल वैल्यू देते जाओ जैसे एन की वैल्यू अगर जीरो देते हो तो क्या आएगा एक्स आता है एन की वैल्यू वन देते हो तो क्या आता है पाई माइनस एक्स आते हैं

साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या होता है वॉट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स सो यहां हम बोलेंगे चूज सुइटेबल वैल्यू ऑफ एन मेरी बात ध्यान से सुनो फॉर्मूला आंसर तो यही आएगा लेकिन इसमें एन की इंटीजर वैल्यू चूज सुइटेबल इंटीजर वैल्यू ऑफ एन सुइटेबल इंटीजर वैल्यू ऑफ एन सो दैट द आउटपुट मीन्स वैल्यू ऑफ वाई लाइज इन द इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू आई होप रीजन समझ रहे मुझे क्यों पड़ी क्योंकि साइन एन व साइन एक्स को अपन टू पाई प्लस एक्स भी लिख सकते हैं लेकिन टू पाई प्लस एक्स की वैल्यू होनी कहां चाहिए प्रिंसिपल डोमेन में होनी चाहिए तो वो देखना पड़ेगा कि भाई अगर एक्स को हम पाई बाई टू से पाई थ्री पाई बाय टू ले रहे हैं तो

तो ये क्या होगा तो इस फार्मूले में से ये वाली डेफिनेशन हमने उठा ली क्यों ये वाली यही वाली क्यों उठाई क्योंकि टू दिस ओनली द द रेंज ऑफ वैल्यूज विल लाई बिटवीन द रेंज ऑफ द ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स बोलो समझ में आ रही बात के नहीं यस yes, तो साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी तो आप हमेशा बोलना इसकी वैल्यू होगी एन पाई प्लस माइनस वन टू दावर एन एक्स एन क्या होगा तो बोलेंगे एन इंटीजर होगा अब एन के कौन से इंटीजर वैल्यू लेंगे वो डिपेंड करेगा इस बात पर कि जिस वैल्यू जिस एन की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फाइनल आंसर आएगा वो रेंज में लाई करे किसकी रेंज में साइन इनवर्स की रेंज में लाई करे यहां तक अगर आपने समझ लिया तो इसका ग्राफ बनाते हैं क्लियर है समझ में आ गया क्योंकि तीन ही कंपोजिशन का ग्राफ बनाना ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा साइन इनवर्स साइन कॉस इनवर्स कॉस टेन इनवर्स टेन दैट्स इट इस पूरे चैप्टर में और कुछ है ही नहीं हटाओ इस स्लाइड को। yes. अब, अब इस, अब मेरे, हाँ अब मेरे को क्या मिल गया देखो ध्यान से साइन व साइनस का ग्राफ हमें कैसा दिखना चाहिए पहली बात इसकी वैल्यू पाई बाई टू से बड़ी नहीं होगी और माइनस पाई बाई टू से छोटी नहीं होगी अपन क्या करेंगे y लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो और वाई माइनस पाई बाई टू लाइन भी ड्रॉ कर दो ऐसे इन्हीं दोनों वैल्यूज़ के बीच में ग्राफ लाई करेगा दूसरा प्रिंसिपल डोमेन की बात करते हैं मतलब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इंटरवल की बात करते हैं माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इंटरवल की बात करते हैं इस इंटरवल में पाई बाई टू पर वैल्यू क्या आएगी पाई बाई टू

तो यहीं से वो ग्राफ ऐसे टर्न हो जाएगा नाइन्टी डिग्री पर माइनस वन स्लो यहां बात समझ में आ गई अब ये पूरा इंटरवल कितना हो गया जिस इंटरवल में आपने पूरा डिफाइन कर दिया ये इंटरवल का लेंथ कितना है बोलो नेगेटिव पाई बाय टू से स्टार्ट किया जीरो पाई बाय टू एंड पाई एंड थ्री पाई बाय टू तक आप बात कर चुके हैं

बताना पड़ेगा नहीं बोले तो बता देता हूँ ऐसा कुछ नहीं है बट आ, मुझे लगा कि स्ट्रेट लाइन कर ही लेंगे एम एक्स प्लस सी हुआ है ना तो एम क्या है माइनस वन है स्लोप माइनस वन है और इंटरसेप्ट जो है उसका क्या है पाई है, है ना इधर पाई है तो इधर भी ये देखो ऐसे यहां से ऐसे 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 होगा ये वाला पोर्सन यहाँ यहाँ होगा ना ये इंटरसेप्ट होगा ऐसे लाइन होगी ऐसे तो तो उसका हमने वो वाला लिया जो उसके तो है ये ये बच्चे पाई है फिर अगला डेफिनेशन क्या है ये टू पाई है तो अब इसका इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होगा माइनस टू पाई और स्लोप है वन तो माइनस टू पाई प्लस एक्स फिर अगले में क्या आएगा आगे आएगा थ्री पाई माइनस एक्स ठीक है इसके बाद अगला जो ऐसा इधर आएगा वो आएगा थ्री पाई नेगेटिव x इधर वाला ये वाला कौन सा है इसका बता दे रहा थो? तो उधर तो 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 समझ में आ गया तो माइनस थ्री पाई माइनस माइनस पाई x हाँ minus x. Minus 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 x. हाँ बिल्कुल हाँ, n को माइनस वन दे दो ना वहां पर डेफिनेशन में तो ये माइनस पाई माइनस एक्स अब इतना सारा याद नहीं रखेंगे यहां पर याद रखने का एक सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूं वो आप याद रखो ये जो साइन एन व साइन एक्स का ग्राफ है ना ये एक्चुअली साइन एक्स की टेंजेंट से बना हुआ है साइन एक्स का ग्राफ ड्रा करो ऐसे देखो और साइन एक्स के ग्राफ में एन पाई पर जीरो पाई टू पाई इन पॉइंट्स पर साइनेक्स की टेंजेंट ड्रॉ कर दो वो टेंजेंट से जो ग्राफ बनता है वही इनवर्स का ग्राफ है याद रहेगा yes, yes, तो, तीन तो बात बात पहली इट इज नथिंग न्यू सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो पढ़े हैं उन्हीं को रिवर्स अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ इनवर्स फंक्शन की रेंज और उसका प्रिंसिपल डोमेन को ध्यान में रख रहे हैं दैट्स इट तो ये हो गया तुम्हारा साइन इनवर्स साइनेक्स अब क्यों ये ग्राफ जानना जरूरी जैसे अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो ध्यान से देखो अगर मैं बोलता हूं इवेल्युएट साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाई फोर एक क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है एक हो सकता है इवेल्युएट साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थ्री बाई टू और एक हो सकता है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ फाइव अब देखो ये तीनों क्वेश्चन में क्या फर्क है फर्क ये है कि पहला क्वेश्चन के लिए मेरे को कोई नॉलेज का जरूरत नहीं है आई कैन सिंपली से दैट साइन पाई बाई फोर क्या होता है भाई साइन पाई बाई फोर क्या होता है तो वन बाई रूट टू वन बाई रूट टू और साइन इनवर्स वन बाय टू निकालना है मुझे तो मैं बोलूंगा अच्छा साइन इनवर्स वन बाय रूट टू तो अब बेसिक uh, डेफिनेशन पता था ये कोई एंगल थीटा होगा और कहाँ होगा माइनस फाइव बाई बाई टू के अंदर में होगा कौन सा थीटा होगा तो अगर इसको मैंने थीटा लिया तो साइन थीटा क्या होना चाहिए वन रूट टू. तो थीटा वन रूट टू. तो थीटा मैं यहां चेक कर सकता कि भाई इस इंटरवल में कौन सा एंगल का साइन वन बाई रूट टू होता था आंसर क्या आएगा पाई बाई फोर तो इवन इफ मेरे को कोई इस ग्राफ के बारे में कुछ नहीं पता आई कैन आंसर ग्राफिकली देखूंगा तो मैं बोलूंगा अच्छा पाई बाई फोर पाई बाई फोर कहा है भाई पाई बाई फोर यहाँ कहीं है यहाँ तो इस इंटरवल के लिए तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो जो आउटपुट है है वही इनपुट तो सीधे बोल दूंगा का नहीं भी आंसर तो कर सकता था लेकिन अगर कोई मेरे को बोलता है साइन एन वाइन थ्री बाई टू क्या होगा तो साइन थ्री बाई टू रेडियन की वैल्यू हमें नहीं पता अब इस केस में भी यहां ग्राफ से मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा कि थ्री बाई टू पाई बाई टू के रेस्पेक्ट में क्या है छोटा है तो थ्री बाई टू यहाँ कहीं होगा और इस इंटरवल में बिहेवियर फंक्शन का क्या है आइडेंटिटी फंक्शन है तो जो इनपुट है वही आउटपुट है आंसर क्या है? 3 2. Yes, अब साइन इन वर्स साइन फाइव अब ये तो साइन ऑफ फाइव रेडियन हमें नहीं पता किसी को नहीं पता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी अब साइन फाइव रेडियन नहीं पता है तो अब हम इसी ग्राफ से ही तो सोचेंगे ना फाइव की लोकेशन कहाँ है 3 बाए बाए टू से पाई के हाँ, तो के बीच में मतलब हाँ, नहीं मैं वैसे बोलूं टू, रेडियन की क्या होगी तो something. और उसको थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप देख ही रहे हो कि फोर पॉइंट फोर पॉइंट समथिंग होगा ना yes, और टू और पाई क्या होता है ये तो सिक्स पॉइंट टू एट होगा तो यहाँ कहीं फाइव आएगा यहाँ अब इस इंटरवल में जिस इंटरवल में ये लाइक कर रहा है इस इंटरवल में डेफिनेशन क्या फंक्शन की ये फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है माइनस टू पाई प्लस एक्स जैसा बिहेव कर रहा है ये तो क्या लिखोगे? आप बोलोगे बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स बिहेव्स एज माइनस टू पाई प्लस एक्स इन द इंटरवल इन द इंटरवल व्हाट थ्री पाई बाई टू 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 पाई एंड आवर इनपुट फाइव लाइज इन दिस इंटरवल इसी आइडेंटिटी से उसका इवेल्युए होगा तो आंसर क्या आएगा फाइव माइनस टू दूसरा तरीका होता है कि आप बोलो कि भाई इसका आंसर क्या आएगा तो आप बोलोगे आंसर आएगा एन पाई प्लस माइनस वन टू दावर एन इन टू एक्स क्या है फाइव और इसके बाद आप बोलोगे भाई एन की वैल्यू आप देते जाओ बिकॉज ये प्रिंसिपल डोमेन के राइट right साइड में चला गया तो इनकी वैल्यू पॉजिटिव देंगे या नेगेटिव आपको देखना है कि वैल्यू कम करनी है छोटा करना है तो आप क्या बोलोगे इसमें एन की वैल्यू वन दोगे तो आप बोलोगे पाई माइनस फाइव ये तो बात सही नहीं है पाई माइनस फाइव डोमेन प्रिंसिपल उसकी रेंज से बाहर है ठीक है फिर एन की वैल्यू वन देते अगर वन दिया अगर टू देता हूं मैं तो टू पाई प्लस ये तो ऑलरेडी उसकी रेंज के बाहर हो गया थ्री देंगे तो क्या आएगा अच्छा ये वन दिया मैंने वन दिया नहीं है प्लस वन रूल आउट हो गया प्लस टू। तो प्लस टू पर तो नहीं है माइनस वन पॉइंट टू एट तो और ये माइनस वन पॉइंट टू एट वेल इस रेंज के अंदर है तो यही एक यूनिक वैल्यू पॉसिबल है तो वहां से जब करेंगे तो ट्रायल एंड एरर होगा ग्राफ देख करके करेंगे तो एक एक शॉट में आंसर करेंगे इसलिए ग्राफ को समझना और ग्राफ को यूज करना आना चाहिए okay. होपफुल साइन इन व साइन एक्स की सारी बातें आपको समझ में आ गई प्रॉपर्टीज डोमेन okay. रेंज पीरियड ऑड इवन कैसा है ग्राफ कैसे ये फंक्शन डिफाइन किया गया एक्सटेंड कैसे किया गया प्रिंसिपल डोमेन के बाहर और उसके बाद फाइनली बताया कि भाई ये ऐसा ग्राफ होगा ये ग्राफ अब आपके दिमाग में प्रिंट हो जाना चाहिए फिर मैंने बोला वाई अगर साइन एन साइन एक्स है इसका मतलब है कि साइन एक्स इवन मल्टीपल पाई प्लस तो तो एक्स मल्टीपल तो पाई माइनस एक्स होगा चूज द वैल्यू ऑफ एन सुटेबली सो तो द रिजल्ट लाइज इन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू राइट ठीक है जी अब ये जल्दी से ये सारे इवेल्युएशन करके बता क्विकली सॉरी हाँ जी तो जहां पर आपको नोन एंगल दिखे वहां पर तो आप डायरेक्ट आंसर कर लो जहां पर अनोन एंगल दिखे तो वहां पर आप ग्राफ का हेल्प करो आई थिंक दैट वुड बी बेटर वैसे सारे पर ग्राफ यूज करोगे चलेगा कोई दिक्कत नहीं ये इनपुट कितना है बाय द वे? Pie pie है, ना? यस का ग्राफ की अगर हम बात करें अगर मैं ग्राफ से सोचूं, तो हमारे को दिख रहा है कि ग्राफ तुम्हारा ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे चलता है ऐसे आएगा फिर ऐसे, फिर, ऐसे फिर, ऐसे फिर ऐसे जाएगा 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 ऐसे चलता रहेगा नेगेटिव में सोचना नहीं क्योंकि आट फंक्शन है तो नेगेटिव को पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव साइड के लिए ही वर्कआउट करोगे काम चल जाएगा ये है पाई है ये टू पाई है ये थ्री पाई है अपन कहां बात कर रहे हैं हम लोग जहां पर बात कर रहे हैं वो कहीं यहाँ है थ्री पाई से थोड़ा पहले ये डेफिनेशन क्या है ये एक्स है ये क्या है पाई माइनस एक्स है ये वाला क्या है माइनस टू पाई प्लस एक्स है स्लोप वन है और नेगेटिव टू पाई इंटरसेप्ट ये क्या है

इनपुट क्या है पाई पाई तो आंसर आ जाएगा एग्रीड व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन दिस वन साइन ट्वेल्व ट्वेल्व पाई बाई थ्री इज फोर पाई है ना फोर पाई पर साइन की वैल्यू जीरो होती है साइन इनवर्स जीरो जीरो होती है तो डायरेक्टली जीरो ये तो प्रिंसिपल डोमेन में ही है तो आंसर क्या आएगा थ्री बाई टू आ गया बोल भाई समझ में आ रही बात ना कोई दिक्कत तो नहीं है नो सर और डी वाला आंसर अभी बता ही दिया था उसको फाइव यहाँ कहीं है यही पर फाइव भी है इधर कहीं ना थ्री पाई के जस तो ये भी आ गया तुम्हारा कितना आया

हाँ, 7 2 से पहले और थ्री पाई कहीं से टेन हटा पाई गया तो माइनस पाइव बाई टू से जीरो के बीच में आएगा ठीक है रेंज के अंदर में ये एफ नॉट नोट डिफर नॉट डिट अलर्ट रहना है हाँ, बिल्कुल डोमेन के बाहर चला गया है वगैरह ठीक है ना समझ में आ गया साइन इनवर्स व साइन को कैसे करेंगे yes, चलो अब आ जाते हैं दूसरा कॉस इनवर्स कॉस की बात करते हैं अब वैसे तो और भी क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे आपको करने के लिए बट अभी हम सिर्फ सारे फंक्शन को पहले फिनिश करते हैं कॉस इनवर्स कॉस की बात करते हैं आप मुझे बताओ कॉस इनवर्स कॉस के बारे में आप जो सीखा आपने साइन इनवर्स साइन को उसी की हेल्प से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का बारे में जो जो चीजें आप बोल सकते हो बोलते जाओ डोमेन

पहले कॉस ऑपरेट कर रहे हो तो अगर पहले कॉस ऑपरेट कर रहे हो और उसके पहले कुछ ऑपरेट नहीं हो रहा था तो एक्स को माइनस एक्स करोगे तो कॉस एक्स ही आ जाएगा तो बात खत्म हो गई इवन इवन फंक्शन पीरियडिक है यस yes, पीरियड yes. क्या है टू पाई टू पाई टू पाई हो गया अब जब मेरे को पता चलेगा पीरियड टू पाई अच्छा प्रिंसिपल डोमेन में तो तो ये दोनों इन्वर्स होते हैं तो प्रिंसिपल तो एक्स हो, है हो गया क्या ये पूरा पीरियड है नहीं हाफ पीरियड हुआ है. तो अगर मेरे को ये मिल जाए कि माइनस पाई से जीरो में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है और जॉब इज डन आई थिंक अब फंक्शन हाँ क्योंकि yes, तो फंक्शन यहाँ पर एक्स था ऐसे जीरो से पाई में एक्स था और इधर में माइनस एक्स हो जाएगा ऐसे. फिर ये टू पाई पूरा एक इंटरवल आ गया अब यही चीज रिपीट करते हो फिर, कर फिर, कर फिर ऐसे कर लो फिर ऐसे कर लो फिर ऐसे कर लो ऐसे ऐसे जो है वो ऐसे से डिजाइन बन जाएगा सब अब इसकी इसको जो अल्जेब्राइकली डिफाइन कर दो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स से हैं आपको पता ही है स्लोप वन और माइनस वन करके मिल रहा है फ्लिप हो रहा है स्लोप बताते जा जाओ ये ये क्या है ये तो एक्स है और ये वाला माइनस एक्स था आगे बताओगे क्या होगा दिस इज x, दिस इज नेगेटिव एक्स ये हो गया तुम्हारा माइनस ये जीरो और ये हो गया पाई फिर टू पाई पाई से टू पाई में अपन क्या लिखेंगे इसको अब ये भाई ये स्लोप वन है तो ये वाली माइनस वन स्लोप है माइनस वन स्लोप की लाइन है लेकिन क्या है इन इं, एक्स इंटरसेप्ट टू पाई है तो वाई इंटरसेप्ट भी टू पाई होगा टू पाई माइनस एक्स और ये वाला क्या हो जाएगा इसमें इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा माइनस पाई प्लस एक्स. ये 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 पाई 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 है बच्चे 4 x. ये हो जाएगा 4 x और ये 4 x. 4 x. ऐसे ये वाला क्या हो जाएगा माइनस टू पाई ये वाला तो टू पाई प्लस एक्स होगा और उसके लेफ्ट वाला माइनस टू पाई माइनस एक्स बोलो हाँ यस सर अच्छा क्यों ना हो भाई ऐसा ही होना ही चाहिए क्योंकि इनवर्स का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि कॉस वाई टू कॉस एक्स बोलो हा कॉस वाई टू कॉस एक्स मतलब वाई होता है टू एन पाई प्लस माइनस एक्स मतलब इसकी डेफिनेशन जो है एन की अलग अलग वैल्यू पे क्या आएगी एन जीरो पर प्लस माइनस एक्स आएगा यहां दिख रहा है आपको देखो ये पहला इंटरवल यही दिख रहा था प्लस माइनस एक्स फिर एन की वैल्यू अगर वन दे दो तो टू पाई प्लस माइनस एक्स आएगा और माइनस वन दे दो तो माइनस टू पाई प्लस माइनस एक्स आएगा वो भी दिख रहा है देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है टू पाई माइनस एक्स टू पाई प्लस एक्स माइनस टू पाई प्लस एक्स माइनस टू पाई माइनस एक्स तो इवन मल्टीपल पाई प्लस माइनस एक्स दिख रहा है कि नहीं पूरा डेफिनेशन में यस yes. सर yes, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स की कहानी भी कंप्लीट हो गई भाई कॉस इनवर्स कॉस एक्स का पूरा डिटेल लिख जाओ फटाफट जल्दी से तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का डिटेल लिखने के लिख लें चलो एक क्वेश्चन है इसको बाद में कर लेंगे आप आ दिखाने की जरूरत नहीं दिखाने की जरूरत नहीं।, नहीं बेटा अभी जस्ट होल्ड ऑन जस्ट होल्ड ऑन ठीक है उसकी दिखाने की जरूरत नहीं है सीधे सीधे ये लिखो आप प्रॉपर्टीज में डोमेन ये है रेंज ये यही सब बातें डिस्कस हुई थी पीरियोडिक फंक्शन है टू पाई पीरियड है इवन फंक्शन है जीरो से पाई में एक्स है माइनस पाई से जीरो में माइनस एक्स है कॉस इनवर्स एक्स इज एन इवन फंक्शन देयरफॉर इवन एक्सटेंशन कर दिया कॉस इनवर्स कॉस एक्स टू एन पाई प्लस माइनस एक्स है एन की वैल्यू सुटेबली चूज करेंगे सो दैट द रिजल्ट लाइज इन टू पाई ग्राफ ये देख लो अगर कुछ आपको पूछना है यही सारी बातें वहां लिखी हुई थी अगर आपको आ, कुछ पूछना है तो आप फिर से पूछेंगे एल एक्सप्लेन जस्ट देख लो फटाफट देर आर प्राइमरली ओनली थ्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिनको आपने इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के कंपोजिशन जो आपको चाहिए साइन इनवर्स साइन एक्स कॉस इनवर्स कॉस एक्स और टैन इनवर्स टैन एक्स जो रिमेनिंग है उनको इन्हीं में कन्वर्ट किया जा सकता है तो उसके लिए आपकी वरी या कंसर्न नहीं होना चाहिए मेजर हम्म अब जैसे मैं अगर बोलता हूं कि आप ये इवेलुएट करो कॉस इनवर्स कॉस सेवन क्या होगा कॉस इनवर्स ऑफ कोसाइन ऑफ सेवन क्या होगा सेवन रेडियंस सेवन रियल नंबर है सेवन वैल्यू अगर आप यहां प्लेस करते हो तो टू पाई से थोड़ा राइट right साइड में होगी मतलब यहां कहीं होगी वहां परिमेंबर कोसाइन इनवर्स ऑफ एनी थिंग ऑलवेज पॉजिटिव इट इज बिटवीन जीरो बट इट कान बी लेस देन जीरो जीरो से पाई में ही आउटकम आना चाहिए वो काउंटर चेक भी हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए ठीक है जी एक क्वेश्चन था जरा इसका आंसर करो तो फाइंड द एरिया इन बाय बाई साइन इनवर साइन एक्स एंड एक्स एक्सेस And find the area enclosed by a sine x and a sine inverse sine x between minus two pi to two pi. टू पाई से टू पाई बताना था बेसिकली जब हम एरिया की बात करेंगे तो डेफिनेटली आप ये चार ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं एंड एवरी ईच ऑफ देम ये जीरो है बेटा ये पाई है और ये तुम्हारा है पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू सो एरिया ऑफ दिस एक्सप्रेशन ये रीजन का एरिया क्या होगा तो अब निकाल लो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ इंटू बेस तो आंसर इज फोर टाइम्स हाफ इंटू बेस इज पाई एरिया फॉर दस्ट केस सेकेंड केस इज फाइंड दलोज बिटवीन क्या साइन इनवर्स साइनेक्स और साइनेक्स मतलब अगर यहीं पर साइनेक्स का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो साइनेक्स ग्राफ विल लुक लाइक दिस और फिर यहां से यहां पर ग्राफ ऐसा आ जाएगा सर अब कौन सी विच एरिया दे आर टॉकिंग अबाउट साइन एक्स का रिमूव करके जो कुछ है हाँ, है स्क्वायर माइनस टू हाँ मतलब अपन अब ये वाली एरिया की बात कर रहे हैं ना ये एरिया की बात कर रहे हैं ये वाली एरिया ये वाली एरिया और ये वाली एरिया क्या है? इसमें किसी एक की निकाल के फोर टाइम्स कर लेंगे और ये जीरो से पाई इंटरवल के बीच में अगर बोले तो ये जो आपने एरिया निकाली पाई स्क्वायर इसमें से कौन सी एरिया हटाएंगे हम लोग लेट्स फिगर आउट व्हिच एरिया ये एरिया निकाल लेते हैं ये वाली एरिया इनक्लोज बाय साइन एक्स फंक्शन एंड एक्स एक्सिस हाँ तो साइन एक्स डी कर देंगे है ना साइन एक्स डी बिटवीन जीरो टू पाई पाई स्क्वायर माइनस एट आएगा

जीरो से पाई में वो आ गया तुम्हारा पाई स्क्र माइनस एट नॉट तो पाई स्क्र ये पाई माइनस तो टोटल तो एरिया आ जाएगी फोर टाइम्स दिस ना फोर टाइम्स दिस तो इस पूरे को फोर से अपन मल्टीप्लाई करें तो एट आ जाएगा अब ये टोटल पाई स्क्र जो एरिया था उस पाई स्क्र में से एट माइनस कर दिया तो आपका आंसर आया पाई स्क्र माइनस एट एनी साइन इनवर्स साइन की बात हो गई कॉस इनवर्स कॉस की बात हो गई कॉस इनवर्स कॉस का डिटेल प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया तो हम कॉस इनवर्स कॉस पे भी थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दीएशन जल्द पर कि क्वेश्चन आप निकाल लेते हैं कि नहीं जल्दी हम्म ये तो ये पहले वाले का क्या बोला फाइव हाँ इसको कई सारे तरीके से अगर मैं इसको लिखूं कॉस इनवर्स ऑफ कोसाइन ऑफ थ्री पाई माइनस पाई बाई सिक्स तो इट इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस पाई बाई सिक्स और मल्टीपल पाई माइनस था सेकेंड क्वार्टर में जाएंगे तो माइनस कॉस पाई बाई सिक्स इसी को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई सिक्स कैसे याद करो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है yes, okay. और फिर थ्री पाई तो तो से थोड़ा पहले है तो अगर आप ग्राफ ऐसे वाला ग्राफ आप अगर रिकॉल करो तो ये है तुम्हारा टू पाई ये है थ्री पाई यहां थ्री पाई के पहले यहाँ पर ये क्या है ये ये वाला वाला लाइन का इक्वेशन क्या होगा टू पाई हाँ जी तो ये x माइनस टू पाई हो गया ना तो यह माइनस टू पाई प्लस एक्स हो गया बस अब इसे में एक्स के ऊपर क्या डाल देंगे आप सेवनटीन पाई बाई सिक्स तो माइनस टू पाई प्लस थ्री पाई माइनस पाई बाई सिक्स तो यहाँ पे आंसर वही आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई सिक्स दैट इज फाइव ये हो गया अगला वाला कॉस टू पाई वन कॉस इनवर्स वन जीरो जीरो अगला वाला प्रिंसिपल डोमेन है विद इन द प्रिंसिपल डोमेन है ना थ्री बाई टू पाई बाई पाई से पहले ही है ना पाई तक प्रिंसिपल डोमेन है आपका तो थ्री बाय टू। व्हाट अबाउट दिस वन? फाइव। फाइव, फाइव पक्का? यस प्रिंसिपल डोमेन में। प्रिंसिपल डोमेन में है फाइव क्या? टू पाई माइंस फाइव। टू पाई माइंस एक्स है ये वाला, ये वाला टू पाई माइंस एक्स है ये एक्स है। और जाएगा टू पाई माइंस फाइव, ये ये टू पाई माइनस एक्स है ना वे क्या आएगा जल्दी बोलो थर्ड इंटरवल में क्या आएगा ये वाले इंटरवल में बोलो ये फोर पाई है जी तो फोर पाई माइनस पाई पाई फोर भी पाई, पाई माइनस फोर, भी फोर भी पाई, पाई माइनस टेन आ जाएगा माइनस टेन वैसे देखो वो, फोर फोर पाई की वैल्यू क्या होगी अराउंड ट्वेल्व पॉइंट फोर टू नहीं टाइव सिक्स माइनस टेन टू पॉइंट ये नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड चलो ठीक है समझ में आ रहा है मैनेजेबल है तो ये कॉस्ट इनवर्स कॉस्ट भी आ गया साइन इनवर्स साइन भी आ गया अब एक कंपोजिशन और है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा आप मेरे को बताएंगे टेन इनवर्स टेन जो भी बक सकते हैं इस फंक्शन के बारे में आप बोलो भाई आपको तो सिर्फ सुनना है बताना आपने मैंने बहुत बता दिया आपको डोमेन डोमेन नंबर ऑल रियल एक्सेप्टीपल करेक्ट रेंज माइनस फाइव बाय टू फाइव बाय टू टेन इनवर्स का जो रेंज होता है वही होगा माइनस फाइव बाय टू से फाइव बाय टू ओपन और आग, 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 आग. पाई? पाई, पाई. पाई, तो कंफर्टेबल है इतनी बातें आपको पता चल गई प्रिंसिपल डोमेन टेन का क्या है प्रिंसिपल डोमेन टेन का माइनस पाई बाय पाई पाई टू से बाय पाई 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 और इस प्रिंसिपल डोमेन में डेफिनेटली हम लिख सकते हैं एक्स होगा ये

Yes, अगर ग्राफ बना लिया है तो अगले दो तीन पीरियड में इस फंक्शन को लालजेब के लिए लिख दो क्या आ रहा है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में वाई कोडो एक्स आ गया ये दोनों साइड में ओपन रहेगा यहाँ पर ये, ये एक्स है ये पॉइंट क्या था आपका ये पाई बाय टू था और यहां क्या था माइनस पाई बाय टू था अब इसके बाद क्या होगा इसके बाद यही ग्राफ को आपको फिर से पिक एंड कट एंड पेस्ट करना तो पाई बायू के बाद थ्री पाई बाय टू यहां तक फिर से ऐसे ही ग्राफ आएगा फिर इसी को यहां से फिर यहां से स्टार्ट करके फिर इसी के पैरेलल ऐसे फिर से आएगी फिर यहां से स्टार्ट करके फिर इसी के पैरल लाइन ऐसे फिर से आएगी ऐसे यहां से यहां से स्टार्ट करके इसी के पैरल इधर फिर से लाइन फिर यहां से स्टार्ट करके इसी के फिर से लाइन ऐसे दिस इज द ग्राफ ऑफ वॉट टेन इनवर्स एक्स बोथ ऑल द लाइन सेगमेंट्स आर ओपन एंडेड बोथ बोथ साइड सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट के डिफाइंड नहीं है ये पाई है ये थ्री पाई बाय टू है ये टू पाई है ये फाइव पाई बाय टू है ये थ्री पाई है ये सेवन पाई बाय टू है ऑड मल्टीपल पाई बाय टू पर ये नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड अगर मैं अल्जेब्राइकली नेम करूं तो ये एक्स था ये क्या हो जाएगा एक्स पाई एक्स माइनस पाई हाँ तो यहां से देखो तो टेन वाई इज इक्वल टू टेन एक्स है ये जो कहानी है पूरी टेन वाईको tan टेन एक्स वाई इज इक्वल टू एन पाई प्लस एक्स और एन की वैल्यू हम सुटेबल चूज करेंगे एन इंटीजर वैल्यू चूज करेंगे सो दैट रिजल्ट प्रिंसिपल रिजल्ट जो है रेंज में रहे तो ये वाला क्या है तो स्लोप तो हमेशा प्लस है राइट साइड हर जगह स्लोप वन है तो x के साथ वन ही रहेगा एन वन है तो ये यह यहाँ पर क्या माइनस वन है ना ये माइनस पाई प्लस एक्स है और इधर में क्या है ये पाई प्लस एक्स है ये वाला क्या है माइनस टू पाई प्लस एक्स है जब में जाएंगे, तो एन नेगेटिव चूज करेंगे और नेगेटिव में आएंगे तो एन पॉजिटिव चूज करेंगे क्योंकि उसकी प्रिंसिपल डोमेन से बाहर निकल रहे हो तो यहां बढ़ाना पड़ेगा एंगल को उधर कम करना पड़ेगा ये क्या है टू पाई प्लस एक्स है ये माइनस थ्री पाई प्लस एक्स है और इधर में अगला वाला क्या आएगा बताओ यहां से जो इधर आएगा वो क्या होगा थ्री पाई प्लस क्लियर ग्राफ समझ में आ रही बात yes, sir. Yes, sir. Yes. तो फंडामेंटली यही तीन फंक्शन है जिनके टर्म्स में पूरा इनवर्स ट्रिगोनमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व होगा अगर ये तीन ग्राफ और प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है तीन कंपोजिशन तो बाकी सारे रिमेनिंग थ्री इसी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फाइनली हम लोगों ने टेन इनवर्स टेन की बात कर ली tan inverse tan x is n pi plus x choose suitable value of n so that the resulting value lies in minus pi by 2 to pi by 2 graph already you have obtained okay chale yes sir yes sir okay. let's begin from the last tan of 10 inverse 10 टेन क्योंकि 10 inverse का होता है 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 अब 10 बड़ा है पाई टू से, तो हमें इसको ड्रैग करना नीचे, नीचे करने के लिए हमें इंटीजर मल्टीपल पाई ऐड करना है तो एन नेगेटिव होगा अब कितना ऐड करेंगे ये सोचना है तो माइनस थ्री पाई क्योंकि अगर आप फोर पाई एड करते हैं तो ये प्रिंसिपल डोमेन की इसका रेंज के बाहर चला जाएगा पाई बाई टू से बड़ा रहेगा और अगर आप माइनस फोर पाई करते हैं तो ये पीछे चला जाएगा ये फाइव फाइव माइनस टू पाई टेन इनवर्स टेन थ्री बाई टू टू थ्री बाई टू ये Zero, जीरो टेन टेन फोर पाई जीरो टेन वन जीरो जीरो ये माइनस पर बेसिकली ये वाला जो क्वांटिटी है वो थ्री पाई माइनस पाई बाय है तो एन पाई हटाना है इसमें से तो क्या हटाओगे भाई ऑब्वियसली थ्री पाई हटा दो तो आ गया रेंज में तो सीधे आ गया माइनस पाई बाय तो कॉन्सेप्ट पकड़ के रखो फार्मूला रिजल्ट वो सब अपने आप बिल्ट होता रहेगा ग्राफ एक बार सीख गए कॉन्सेप्ट पता है तो ग्राफ नहीं भूलेगा आपको भूल भी गया तो क्रिएट हो जाएगा अब इसके अलावा अगर आप सोचो भी तो तीन ही कंपोजिशन बचते हैं एक सीकेंड इनवर्स सीकेंड एक कॉ इनवर्स कॉ एक कॉच इनवर्स कॉच यही बचेगा ना तो ये ये ग्राफ आपके पास ये दो आपके पास है ये तीन तो याद रहेंगे आप अगर मैं कोइंसिडेंटली अगर मैं बात करूं कि भाई एक बात बताओ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट x तो आप यहां भी तो आर्ग्यूमेंट अपना दे सकते हैं ना भाई ये फंक्शन है कैसा फंक्शन है डोमेन क्या है डोमेन ऑल रियल है नहीं ऑल रियल एक्सेप्ट एन पाई और पीरियोडिक है पीरियड पाई है रेंज इसकी आएगी जीरो से पाई ओपन इंटरवल और पीरियड अगर पाई है तो प्रिंसिपल डोमेन क्या है जीरो से पाई टू तो तो पाई रिपीट करता रहेगा तो जीरो से लेके पाई इंटरवल में तो ये एक्सी हो जाएगा और उसके बाद रिपीट करेगा तो इसका ग्राफ भी तुम्हें पता है सिर्फ फर्क क्या है जैसे यहाँ जीरो है और जीरो से लेके पाई तक ये हो गया ऐसा अब इसके बाद क्या होगा और इस भाई से फिर से नीचे शुरू हो जाएगा हाँ फिर से नीचे से शुरू होगा ऐसे ही फिर लेकिन ओपन एंडेड ऐसे ऐसे जैसे फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ होता है ना वैसा आएगा लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट जीरो से वन होता है ये जीरो से पाई तक जाए ऐसे ग्राफ आता रहेगा समझ रहे हो कि नहीं समझ यस तो कॉट इनवर्स कॉटेक्स भी बना सकते हैं ऐसे ही आप सिकेंड इनवर्स सीकेंड भी बना सकते हैं कॉसिक इनवर्स कॉसिकंड भी बना सकते हैं लेकिन बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन कॉट इनवर्स कॉट टेन इनवर्स टेन में कन्वर्ट हो जाता है कॉसिकंड इनवर्स जो है साइन इनवर्स साइन में कन्वर्ट हो जाता है और और तुम्हारा जो कॉस इनवर्स सीकेंड इनवर्स सीकेंड जो है कॉस इनवर्स कॉस में कन्वर्ट हो जाता है इसलिए अपन हैबिट क्या रखेंगे यही तीन के टर्म्स में इवेलुएट करेंगे कन्वर्जन कर करके ठीक है सो नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन कुछ सम्स करते हैं इस पर यह सारा हो गया हाँ जी पहला क्वेश्चन फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन एक फंक्शन आपके सामने है आपको इसकी रेंज निकालनी है ठीक है इस क्वेश्चन को करने के लिए कितना टाइम आप चाहते हैं मिनट बताइए हाउ मेनी मिनट्स यू विल टेक टू फाइंड गेट मी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का मॉड माइनस कॉस इनवर्स ऑफ मॉड कॉस एक्स का स्क्वेयर रूट है आपको इसकी रेंज निकाल के बतानी है बोलो कितने मिनट दे दिया जाए आपको तीन मिनट दे दें थ्री मिनट्स यस सर चलो तीन मिनट तक मैं साइलेंट साइलेंस मोड में जा रहा हूं मैं कुछ नहीं बोलूंगा आप इतमान से सोचो बढ़िया से ग्राफ ओवरलैप क्या कर दिया ग्राफ ओवरलैप हो थे मतलब दोनों के ग्राफ्स ड्रॉ कर दिए एक ही प्लेन में तो वो ग्राफ्स ओवरलैप हो रहे थे तो वहां से देख के तो जैसे अगर आप बात कर रहे हैं वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स अगर इस फंक्शन की बात करें रादर इसके मॉड की बात करें है ना हाँ जी तो लुक एट दिस फंक्शन इसकी बात करें फंक्शन पीरियोडिक है जी है पीरियड इसका क्या है पाई है पाई ये ना ना सिर्फ इसकी बात करो सिर्फ इतनी की इसका तो पाई है। पाई है है अगर पाई पीरियड है तो मॉड है ना तो इसको आप क्या लिखेंगे जीरो से पाई या माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू डिफाइन कर सकते हैं तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो क्या लिखूंगा चलो एक पीरियड पाई पीरियड के लिए इसको डिस्क्राइब करते हैं मान लो जीरो से पाइबाइटो की बात करते हैं जीरो से पाइबाटो में क्या आ आएगा और पाइबाटो से पाई में क्या आएगा पाई बाई टू से पाई में भी साइन एक्स पॉजिटिव ही है तो पाई साइन इनवर्स साइन एन एक्स ही होगा साइन इनवर्स वॉस साइन एक्स होगा जिसको हम पाई माइनस एक्स लिख देंगे ठीक है जी यस ये ये हमारा फंक्शन है जीरो से लेके पाई इंटरवल में अच्छा ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा इसलिए मॉड तो हटाया भी जा सकता है यस yes, सर तो इसको सिंपली साइन इनवर्स साइन एक्स लिखने में अपन को कोई दिक्कत नहीं

और सीधे सीधे जीरो से पाई में अगर इसको डिफाइन करें तो क्या होगा दो इंटरवल आएगा जीरो बात बड़ी सिंपल है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है कॉस इनवर्स कॉस एक्स हो गया और कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्रिंसिपल डोमेन के अंदर ही सारी बात हो रही थी एक्स ही हो जाएगा बट अगर हम पाई बाई टू टू तो पाई की बात करेंगे

एक्स और पाई माइनस एक्स रिस्पेक्टिव डोमेन में तो दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है एंड देयरफॉर ये क्या आ गया जीरो तो ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स की कंप्लीट नंबर लाइन पर ये डिफाइंड है फंक्शन हर एक्स के लिए डिफाइंड है और इसकी वैल्यू आइडेंटिकली जीरो होगी तो इसका रेंज हो गया सिंगलटन जीरो सबको क्लियर है कोई दिक्कत तो नहीं किसी को नो सर नो सर एक्स का ग्राफ कैसा होगा एक्स का ग्राफ कैसा होगा सेकेंड इनवर्स सिकेंड एक्स का ग्राफ कैसा होगा मैं पूछ रहा हूं तो आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे प्रिंसिपल डोमेन में तो एक्स ही होगा प्रिंसिपल डोमेन क्या है माइनस पाई बाय टू नो सॉरी जीरो टू पाई जीरो टू पाई एक्सेप्ट पाई बाय टू है ना जीरो टू पाई एक्सेप्ट पाई बाय टू और ये पीरियोडिक विद पीरियड पाई है ये पीरियोडिक है इसमें भी कोई डाउट नहीं क्योंकि सीकेंड एक्स पीरियोडिक है और पीरियड उसका क्या है करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा कहां पर माइनस पाई टू जीरोप्ट का मतलब यह है कि इसका ग्राफ और को साइन एक्स का ग्राफ एक जैसा ही होगा विदरी माइनर चेंज बिल्कुल माइनर चेंज क्या होगा कि पहले कॉस का ग्राफ अपन ड्रॉ कर देते हैं ये लो। ऐसे ही कॉस की कहानी थी ना ऐसे ही मंदिर मंदिर बन रहा था ऐसे टेंपल टेंपल अब इसमें क्या चेंजेस करते हैं मुझे बता दो जल्दी से ऑड मल्टीपल पाई बाय टू पर इसको पंक्चर कर दो है ना तो ऑट मल्टीपल पाइबाइटू पर मैं क्या कर रहा हूँ इसको मैं ऑड मल्टीपल पाइबाइट पर इसको पंक्चर करने जा रहा हूँ ऐसे जस्ट हाफ पे ऐसे ऐसे उड़ा देंगे यहाँ से तो यहां पर ये पंक्चर्ड हो गया पंक्चर्ड होने के बाद में ये ग्राफ यहाँ पर होल हो जाएगा देखो यहाँ पर एक होल होगा यहाँ पर ऐसे ऐसे यहां पर होल होगा ऐसे यहां पर होल होगा ये होल होगा बाकी एग्जैक्टली आइडेंटिकल है इसीलिए बोलते हैं कि जब मेरे को कॉस इनवर्स सीकेंड इनवर्स सीकेंड आएगा ना तो मैं उसको कॉस इनवर्स कॉस ही लिख दूंगा ना तो आई विल राइट इट इज नथिंग बट वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट एक्सेप्ट वॉट टू एन प्लस वन पाई बाई टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू तो चाहे इसको बोलो चाहे सीकेन इनवर्स सीकेन एक्स बोलो ये दोनों फंक्शन सेम फंक्शन है जब आप इस डोमेन की बात करोगे तो इसी तरह से कॉट इनवर्स कॉट हमने देख लिया था sec सीकें इनवर्स सीकेंड भी देख लिया तो कॉसिकेंड इनवर्स कॉसिकेंड फंक्शन भी डायरेक्टली आप अप, अपने आप समझ ही गए होंगे तो कॉसिकेंड इनवर्स कॉसिकेंड का ग्राफ भी हो गया मतलब सारे के सारे छे के छे जो कंपोजिशन है फॉरवर्ड एंड कन्वर्स दोनों आ

कोसिकेन इन्वर्स ऑफ़ कोसिकेन तो दिस इज़ अबाउट द बोथ किंड ऑफ़ कंपोजिशंस एंड thei बेसिक एप्लीकेशंस चलो आंसर करते प्रूफ़ कि टैन इन्वर्स ऑफ़ कोसाइन एक्स ओवर वन प्लस आइन एक्स इज़ इक्वल टू पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू व्हेनवर एक्स वेरिएज़ पाई बाय टू टू थ्री पाई ब डन सर तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन दे दे रहे हैं चलो तो तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता मैं evaluate this limit really wrong. Wrong. जीरो क्यों बाय द वे क्योंकि वो फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर वैल्यूज देते तो वो एग्जैक्ट जीरो दे देगा जैसे हम इनफिनिटी के 10 भी करेंगे तो एग्जैक्ट जीरो के साथ क्या फ्रैक्शनल पार्ट एग्जैक्ट जीरो देगा ना क्यों टेंडिंग ते, वाली नहीं होगी वो इंटीजर वैल्यूज देता है टेंड तो नहीं कर रहे हो जीरो ही होगा नहीं 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 आप बी बाई एक्स को अप्रोच कर रहे हैं अच्छा बी बाई एक्स जीरो का अप्रोच कर रहा है ना यस सर जीरो प्लस को मैं इसको, इसको इन, इन, इन्फिनिटी नहीं, नहीं इन्फिनिटी नहीं इसको मैं जीरो कर देता हूँ आप बताओ वैसे भी जब मैंने इन्फिनिटी लिखा था तो तुमने इसको एक्स अपॉन ए और जिंट ऑफ बी बाय एक्स लिखा था ना क्या किया था इसको कैसे इवैल्यूएट किया था एग्जैक्ट जीरो तो बी बाई एक्स एग्जैक्ट जीरो ऐसा बोल सकते हैं क्या क्योंकि वो जीरो प्लस से टेंड कर रहा है तो वो पूरी लाइन ही जीरो है मैं कहा मैंने बोला बी पॉजिटिव है आ, नहीं है. नॉट डोनेट एक्जिस्ट आ जाएगा तो यहां पर आप एक्स ओवर ए और इसको लिख दो आप B X B X. तो बी ओवर एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बी ओवर एक्स बी बाय ए किसकी बात कर रहे हो यस सर ऊपर वाले का भी बाय एक्स टेंडिंग टू जीरो वाला हाँ ये वाला बी बाय ए आ जाएगा वेरी करेक्ट हो गया हो गया yes, sir. क्या वही आंसर आ गया जी, क्या किया चलो बताओ सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या है यहां पर देखो जिसका भी नहीं हुआ अभी तक कि ये चीज हाफ एंगल ऑफ एक्स है और ये cos में है टेन इनवर्स है तो ये टेन में मैं देखना चाहूंगा तो फॉर दैट कन्वर्ट इन टू हाफ एंगल फॉर्मूला तो कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम कॉस एक्स को लिख सकते हो कॉस स्केयर एक्स बाय टू बहुत सारे तरीके हैं कॉस स्केयर एक्स बाय टू माइनस साइन स्केयर एक्स बाई टू एंड वन प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स टू का होल स्क्वायर and therefore this expression can be written as cosine of x by 2 minus sine of x by 2 over cosine x x by 2 plus sine x sine x by 2 which can be converted into half angle of tan by dividing the numerator and denominator by cos x by 2 it is 1 minus tan x by 2 over 1 plus tan x by 2 which can be further written as tangent of pi by 4 माइनस एक्स बाई टू तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया बेटा हाफ एंगल रिजल्ट में कन्वर्ट करके टैन इनवर्स ऑफ टैन ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू अब आपको पता है कि टैन इनवर्स टैन फंक्शन इनपुट की लोकेशन पे डिपेंड करता है कि ये क्या आउटपुट आएगा तो हमें दिया हुआ पाई बाई टू से थ्री पाई बाई की रेंज है तो

पाई बाई फोर ऐड किया तो माइनस पाई बाई टू यही आ रहा है बोलो हाँ ना हा yes, तो आपको मिला इंटरवल ये कि दिस एंगल वेरीज माइनस पाई बाई टू टू जीरो तो सिंस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाय टू बिलोंग्स टू नेगेटिव पाई बाई टू टू जीरो विच इज नथिंग बट द प्रिंसिपल डोमेन ऑफ टैन सो आउटपुट विल बी सेम एज इनपुट आप समझ सकते हो कि अगर यहां पर पाई बाय टू टू तो थ्री पाई बाई टू के बजाय कोई और इंटरवल दिया होता तो जैसे अगर मान लो दे देते फाइव पाई बाई टू टू सेवन पाई बाय टू तब आंसर क्या होता है ऐसा इंटरवल देते तब क्या करते हैं आप तब फिर वही यहां से अब चेंजेस करते हैं कि x बाय टू वेर इज फाइव पाई बाय टू टू सेवन पाई बाय टू देन माइनस एक्स बाय फाइव पाई बाय फोर से सेवन पाई फिर आप करते हैं इसमें ऐड तो नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव फाइव बाई फोर यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव इन रिवर्स कर देते हैं और फिर इसमें ऐड करते क्या पाई बाई फोर तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू क्या हो जाता है अब बताओ यहां पर क्या आता पाई बाई फोर एड किया तो माइनस थ्री पाई बाई टू इधर पाई बाई फोर एड किया क्या? तो तो क्या माइनस पाई बेसिकली पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू नाउ वेरीज नेगेटिव थ्री पाई बाई टू टू नेगेटिव पाई अब टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ हम देखते हैं ऐसे होता है और फिर यहां पर ये यह ऐसे होता है ऐसे ये क्या है, ये क्या है भाई माइनस पाई पाई, पाई पाई और और ये ये क्या क्या है है माइनस माइनस टू थ्री पाई बाई टू सो माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू ये वाले इंटरवल में ग्राफ क्या है ये है पाई प्लस एक्स बोलो हाँ ना बोलो भाई यस yes, सर तो yes. पाई आंसर क्या था इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा आंसर क्या आता हमारा आंसर आता पाई प्लस इनपुट क्या था पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू तो आंसर आता फाइव पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसका सिंप्लीफिकेशन जो होगा वो डोमेन डिपेंडेंट होगा मैं अलग डोमेन दूंगा तो अलग आंसर आएगा तो ऐसा भी मोर देन वन आंसर करेक्ट में तीन ऑप्शन दे सकते हैं अलग अलग डोमेन में अलग 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 करके ठीक है जी समझ में आया कैसे करना है yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन तो आप होमवर्क ले लो उसी तरह का है तो आप अपने आप कर लेना मैं थोड़ा सा आपको कुछ रिजल्ट डिस्कस कर देता हूं ठीक है ना जो उससे आप थोड़ा आपका बढ़ जाएगा ज्यादा क्वेश्चन आप ट्राई कर सकेंगे तो आप एक रिजल्ट लिखो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो प्रॉपर्टीज हैं उनको लिखते हैं देख लेते हैं फटाफट फट जल्दी से क्वेश्चन सॉल्विंग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे बाकी पहला इन्वर्स ट्रिगोर्मेट्रिक फंक्शन ऑफ नेगेटिव इनपुट्स अगर इनपुट को नेगेटिव करते हैं तो कैसे बिहेव करता है एक ये है एज ए प्रॉपर्टी आप सबको याद होनी चाहिए दूसरा इनवर्स ट्रिगॉर्मेट्रिक फंक्शन रेसिप्रोकल इनपुट्स पर कैसे बिहेव करता है ठीक है तो इनवर्स ट्रिगोर्मेट्रिक फंक्शन ऑफ रेसिप्रोकल इनपुट्स ठीक है तो ये दो केसेस कंप्लीट करते हैं पहले पहले की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है अब यहां बात हो रही है क्या कि ये तो पहले हम लोग कर चुके हैं कि साइन इनवर्स फंक्शन है और इसमें नेगेटिव इनपुट देंगे तो क्या आएगा कॉस इनवर्स में नेगेटिव देंगे तो क्या आएगा टैन इनवर्स में नेगेटिव देंगे तो क्या आएगा इनवर्स में नेगेटिव देंगे तो क्या आएगा और इनवर्स में नेगेटिव देंगे तो क्या आएगा और इनवर्स में नेगेटिव देंगे तो क्या आएगा आप बता दो क्योंकि ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं तो आई एक्सपेक्ट की आप आंसर दे दोगे साइन इनवर्स का क्या आएगा ऑर्ड फंक्शन माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स का क्या आएगा पाई माइनस कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स में क्या आएगा माइनस में आएगा pi pi minus. Minus cos x. X. ये आ कोई एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ जैसे कि मान लो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वाला आप मेरे को प्रूफ करके बताओ कितने बच्चे कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं सर प्रूफ जिसका प्रूफ कौन कौन कर सकता है सभी लोग कर सकते हैं यस सर तो कौन बताएगा मेरे को प्रथम या उत्कर्ष कौन बताएगा अक्षेप कोई भी बता सकता है कोई एक बोल दो कोई एक वॉलेंटियर करो और बोलते जाओ मैं लिखते जाऊंगा मैं चेक करूंगा आप गलती कहां करते हैं हाँ बताओ कौन बताएगा प्रथम चलो तुम ही बोलो बोलना शुरू करो कैसे करेंगे ग्राफिकलीफिकली नहीं करेंगे ग्राफिकली नहीं नॉन ग्राफिकली मतलब कि आप प्रॉपर एल्जेब्राइक प्रूफ देना हमेशा कुछ थीटा को मा, अन, कौस कौस इन्वर्स फंक्शन कॉस इन्वर्स एक्स को थीटा मान लो और थीटा को लिख दो जीरो पाई। यहां से स्टार्ट करो हमेशा इन्वर्स फंक्शन को एंगल मान के उसका रेंज लिख दो लेट अब चलो प्रांसो बताएं इसके बाद प्रांशु बोलो तो अब ऐसे करो कि अच्छा आपने लिख दिया तो थीटा इक्वल टू कॉस एक्स लिख लो एक, एक सी सी बार हाँ एक्स आ? नहीं नहीं कॉस इन्वर्स एक्स को थीटा लिखेंगे यार मतलब एक बार थीटा इक्वल टू अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कॉस हुआ <not> अरे यार और मतलब एक्स इक्वल थीटा हाँ ऐसे एक्स इक्वल थीटा हो गया ठीक करेक्ट तो, तो यहाँ से माइनस वेरी गुड वेरी गुड तो यहां से इन्होंने बोला की कोसाइन ऑफ पाई माइनस थीटा जो होगा वो हो जाएगा माइनस थीटा और माइनस थीटा थीटा इज इज वेरी करेक्ट फिर तो उसके बाद पाई माइनस इक्वल टू इनवर्स कैसे कैसे यही तो यही पर गड़बड़ है उस समय मैंने बोला तो उसमें तक कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि एकदम जस्ट स्टार्ट कर रहे थे आप तो उस जो मैंने बोल दिया आपने चुपचाप सुन लिया अप्लाई कर लिया ठीक है बट वहां मैंने पूरी बात नहीं बोली थी इसके बाद अगला स्टेप में कॉस हटाने के लिए आप कॉस इनवर्स ऑपरेट करोगे तो आप लिखोगे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटाक्वल इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ऐसा नहीं होता कि कॉस उधर जाके कॉस्ट इनवर्स हो जाता नहीं यू आर कंपोजिंग समथिंग जब यहां से कॉस हटाना है तो कॉस इनवर्स ऑपरेट करो यहां से कॉस इनवर्स हटाना है तो कॉस ऑपरेट करो दिस दैट इज अ बेसिक आइडिया अब यहां कॉस इनवर्स कॉस एक्स है अब कॉस इनवर्स कॉस वाई ये तो वाई की रेंज पर डिपेंड करेगा तो अब पहले आपको देखना पड़ेगा बेटा कि पाई थीटा क्या है, तब यहां से लो। थीटा जीरो से पाई है। तो पाई माइनस थीटा कहां लाई करेगा जीरो।, जीरो।, तो जीरो से पाई तो चूंकि ये प्रिंसिपल डोमेन में है इसलिए इसको हम लिखेंगे पाई माइनस थीटा अदरवाइज कुछ और भी आ सकता था और यहां पर क्या आएगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो गया अब थीटा को वापस डाल दो क्या कॉस इनवर्स एक्स आ गया प्रूव हो गया अब मैं डेलिबरेटली ऐसा पूछा हूं क्योंकि आगे यही प्रोसीजर याद रखना है आपको ठीक है अब आप अपने आप खुद बैठ करके कॉच इनवर्स को और सीकेन इनवर्स वाले को खुद प्रूफ कर अब आ जाते हैं दूसरे केस पर मैं बोल रहा हूं कि जो साइन इनवर्स एक्स है इसको आप कॉसिकेंट इनवर्स वन बाई एक्स लिख सकते हो कॉस इनवर्स एक्स जो है इसको आप सीकेंट इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स लिख सकते हो टैन इनवर्स एक्स जो है इसको आप कॉट इनवर्स वन बाई एक्स लिख सकते हो बट ऐसा नहीं है ऐसा थोड़ा कंडीशन है इन सब में कंडीशन है आप मुझे बताओ पहले वाले में क्या कंडीशन है ये आइडेंटिटी कब होल्ड करेगी और होल्ड करेगी कि नहीं करेगी तो अगर होल्ड करेगी तो डोमेन में ही करेगी माइनस वन से वन में तो एक्स वेर -1 माइनस वन टू वन एक्सेप्ट जीरो दूसरी कंडीशन कब होल्ड करेगी x वेरियस माइनस वन टू वन एक्सेप्ट जीरो तीसरी कंडीशन कब होल्ड करेगी तो पहले तो इसमें से कोई एक को प्रूफ करना चाहिए किसको करें लो फर्स्ट को करिए फर्स्ट को प्रूफ करिए क्या करें

ये हमारा प्रूफ हो गया इसी तरह से आप ये भी प्रूफ कर सकते हो तो ये पहला और दूसरे का प्रूफ अंडरस्टूड है आप कर जाएंगे ये तीसरे को जरा देखते हैं तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जो टेन इनवर्स एक्स है ये कॉच इनवर्स वन बाई एक्स हमेशा नहीं होगा, ये पे होगा। जब एक्स जीरो से पाई पर होगा yes. जीरो ओपन से पाई पाई नहीं जीरो से इन्फिनिटी सॉरी जीरो से इंफिनिटी अच्छा ही बात है कि अगर एक्स नेगेटिव हुआ मेरी बात सुनो एक्स नेगेटिव होगा तो ये चीज नेगेटिव हो जाएगी ना क्योंकि फंक्शन है माइनस बाहर आ जाएगा तो ये एक्स नेगेटिव पर ये नेगेटिव हो जाएगा और एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव पर कॉट इनवर्स तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता कॉट इनवर्स की वैल्यू हमेशा जीरो से पाई के बीच में होगी तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी तो बोल रहे हैं कि अगर एक्स नेगेटिव होगा तो क्या होगा माइनस इन्फिनेटी से जीरो में क्या होगा हाँ Inverse one by X minus बन जाएगा, inverse of one by X minus yes. या plus क्योंकि ये positive है, और हमें negative बनाना तो obviously minus बनेगा, इसे को प्रूफ करते हैं ये तो अभी हमने इंट्यूटिवली बोला कि ऐसा होना चाहिए बट इसका प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे कैसे प्रूफ करेंगे सो लेट्स बिगिन विद वन पॉइंट समवेयर कहाँ से स्टार्ट कर लें कहीं से स्टार्ट कर लो जैसे कि कॉचिन वर्स वन बाई एक्स को ही मान लो क्या है थीटा है ऐसा स्टार्ट कर लो यहाँ से लेट कॉट इनवर्स वन बाई एक्स को हमने थीटा मान लिया तो हम मान के चल रहे हैं कि थीटा जो है तुम्हारा वो जीरो से पाई में ही होगा आगे अब यहां से यहां से ऑपरेट कर दो तो दोन थीटा हो गया तो एक्स टैन गया तो टैन इनवर्स ऑपरेट कर दो तो टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा टैन इनवर्स टैन थीटा अब यहां हो गया खेल क्या खेल हुआ जी गेम ये है भाई कि टैन इनवर्स टैन थीटा का अगर ग्राफ अपन देखे तो टेन इनवर्स टेन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है ऐसा। ऐसा, ऐसा होता ना ग्राफ ये थीटा होगा जीरो से पाई बाई टू तक बट पाई बाई टू से पाई इंटरवल में ये माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा बोलो हाँ या ना यस yes, सर ये किसका ग्राफ अपन बना रहे हैं y कि इसको हमारा थीटा जीरो से पाई है मतलब हमें कहां से कहांक तो ऑब्जर्व करना क्लियर बताया गया कि आप इस इंटरवल में ऑब्जर्व करो पूरा तो आधे इंटरवल में डेफिनेशन अलग है और रिमेनिंग हाफ में अलग है तो मुझे दो पार्ट करना पड़ेगा एक पार्ट करना पड़ेगा जब जीरो से जब थीटा पाई क्या होगा जब थीटा जीरो से पाई, पाई, पाई होगा वो तो प्रिंसिपल डोमेन का केस है तो वहां पर सीधे ये थीटा आ जाएगा और थीटा मतलब क्या आ गया इनवर्स बाई एक्स आ गया तो ये पहला वाला पार्ट प्रूव हो गया कि टेन इनवर्स एक्स जी करो कॉट इनवर्स वन बायस

Cot by x. और थीटा यहां है तो थीटा क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से zero. Zero. तो बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बताऊ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ही आपने अभी जो प्रूफ किया है आप देखेंगे जब डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे जब लिमिट्स करेंगे तो ये सब इनडेफिनेट यूज होता रहेगा तो साइन इनवर्स को कॉसिक इनवर्स में कॉस इनवर्स को सिकेंड इनवर्स में टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से हम कन्वर्ट कर लेंगे ठीक है यहां तक समझ में आ गई बात यस यस सर तो एक लास्ट कन्वर्जन करके खत्म करते हैं डिस्कशन को इसको बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जेंस

और ये आइडेंटिटी कब वैलिड है ऑल बिलोंग्स टू ऑल रियल ये पूरी नंबर लाइन पर कांस्टेंट फंक्शन है और ये कब वैलिड है जब एक्स बिलोंग्स टू नेगेटिव इनफिनिटी टू नेगेटिव वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी इनमें से कोई एक को बोलो तो मैं प्रूफ कर दो किसको प्रूफ करना चाहोगे सेकंड वाले सेकेंड वाले को कैसे करें बोलो किसी एक से स्टार्ट कर लो कॉस इनवर्स एक्स को मान लो हम थीटा ले लेते हैं तो थीटा कहां से कहां होगा जीरो से पाई में होगा तो एक्स क्या हो गया कॉस थीटा हो गया एक्स अगर कॉस थीटा हो गया तो कॉस को साइन पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकते हैं यस सर अब अगला अगला स्टेप क्या होगा ऑपरेट करो क्या साइन इनवर्स चाहिए मुझे तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाइब जितने क्वेश्चन करेंगे आप आई टी एफ भी कन्वर्जेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सॉल्विंग आइडेंटिटी प्रूविंग सब जगह आपका प्रोसीजर यही होगा वही तीन रिजल्ट यूज होंगे साइन इनवर्स साइन कॉस इनवर्स कॉस टेन इनवर्स टेन साइन इनवर्स साइन अब तुम्हें हाँ अब बोलो कि थीटा यहाँ है तो माइनस थीटा कहाँ है माइनस थीटा तुम्हारा माइनस पाई माँणस से जीरो माइनस थीटा यहाँ है तो पाई बाई टू माइनस थीटा कहाँ है बेटा तो माइनस पाई, पाई, पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तो प्रिंसिपल डोमेन है इसलिए मैंने सीधे बोल दिया क्या ये पाई बाई टू माइनस थीटा होगा तो थीटा प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या प्रूव हो गया पाई बाई टू और थीटा अपना क्या था कॉस इनवर्स एक्स

नो सर नो सर नो सर ओके मैं अभी शेयर कर दूंगा ठीक है फंक्शन वाले डीपीपी तो सारी हो गई होगी मुझे लग रहा है यस सर नियरली हो गई ठीक है तो आईटीएफ की डीपीपी आज शेयर कर देंगे अब इतना हो गया है कि आप वहां से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी मिलते sir, थोड़ी हैं थोड़ी टफ प्रॉब्लम्स होती हैं हां एग्जैक्टली एग्जैक्टली थैंक यू सर ओके बाय Thank you, sir.